हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक फैंटेसी मूवी जिसका नाम है बैटल ग्राउंड। मूवी की शुरुआत में हमें एक हिटमैन दिखाया जाता है जिसका नाम रेंशो होता है और वो अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए जा रहा होता है और उसका टारगेट मोरिस होता है जो कि करोड़ों की टॉय कंपनी का मालिक है। फिर हमें रेंशो को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार को मोरिस के पैलेस के सामने लगाकर उसका इंतजार कर रहा होता है और वहीं मोरिस एक स्पेशल टॉय के तलाश में अपने स्टोर रूम में जाता है। इन्हीं बीच उसके स्टोर रूम में काफी सारे टॉयज रखे हुए होते हैं। फाइनली उसे वो टॉय मिल जाता है जिसके लिए वो यहाँ आया था और इस टॉय का नाम ग्रीन फेरी है। फिर मोरिस ग्रीन फेरी को लेके अपनी कैबिन में चला जाता है। रेंशो जब मोरिस को खिड़की पे खड़ा देखता है तो वो अपने मिशन को अंजाम देने के लिए निकल जाता है। वो गन लोड करता है और फेस पे मास्क लगाता है जिससे कि कैमरा उसे कैप्चर ना कर सके। वो फोन में टाइमर सेट करता है और मेन डोर के पास रख देता है और सिक्योरिटी को लगता है कि वो एक बॉम्ब है। वो मेन डोर ओपन करता है और उसे बाहर फेंकने के लिए जाता है। तभी रेंशो उसे पकड़ लेता है और उसे शूट करके मार देता है और वो उसकी चाबी लेता है और सिक्योरिटी रूम में जाके पैलेस की सारी सीसीटीवी कैमरास को बंद कर देता है और बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ वो अपना मास्क निकाल लेता है। फिर वो वहाँ के दूसरे सिक्योरिटी को इजीली मार देता है और मोरिस के कैबिन में पहुँचता है और बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए वो 3 बुलेट फायर करता है। और जब उसे कंफर्म हो जाता है कि मोरिस की डेथ हो चुकी है तो वो टेबल पे पड़ी ग्रीन फेरी को उठा लेता है। इन्हीं बीच उसे एक फोटो फ्रेम दिखता है जो कि मोरिस की माँ ने उसे दी थी। वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता है और वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें रेंशो को दिखाया जाता है जो कि वापस अपने घर जा रहा है और वो क्लाइंट को मैसेज करता है कि उसने मिशन कंप्लीट कर दिया। फिर साइड में बैठी हुई लेडी उससे च्युइंगम मांगती है। जब वो च्युइंगम ढूंढ रहा होता है तो लेडी की नजर उसके बैग में पड़े ग्रीन फेरी पे जाती है। उसे थोड़ा अजीब लगता है जब वो बच्चे का खिलौना उसके बैग में देखती है। फिर रेंशो उसे च्युइंगम दे देता है और लेडी भी उस चीज को इग्नोर कर देती है। फिर जब रेंशो एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो वो देखता है कि मोरिस की मर्डर की न्यूज हर जगह फैल चुकी है। जब वो वहां से जा रहा होता है तो उसे एक लड़की के बैग में एक डॉल दिखाई देता है जो कि सेम वैसा था जैसा उसने मोरिस के घर पे देखा था। वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है लेकिन ऐसा ही कुछ उसके साथ फिर से होता है। वो अपने बिल्डिंग के रिसेप्शन टेबल पे एक ग्रीन कलर का टॉय देखता है और ये टॉय भी मोरिस के मौत के समय उसके टेबल पे था। वो इन सब चीजों को कॉमन समझ के अपने पेंट हाउस में पहुंचता है और बड़े ही प्यार से ग्रीन फेरी को ग्लास के ऊपर रख देता है और उस डिस्प्ले टेबल पे हमें टॉय के साथ साथ और भी कुछ चीजें देखने को मिलती है जो कि रेंशो हर मर्डर करने के बाद वहां से एक चीज ले आता है एज अ मेमोरी। फिर रेंशो लैपटॉप पे कुछ काम करते करते सोफे पे ही सो जाता है। तभी उसका डोर बेल बजता है और वो सोचता है कि आखिर इतनी रात को कौन हो सकता है। जब वो डोर ओपन करता है तो उसे एक कुरियर बॉक्स मिलता है जो कि उसी के लिए था। उस बॉक्स पे रेंशो का नाम और उसका एड्रेस था और साथ ही साथ एक सिग्नेचर और यही सेम सिग्नेचर मोरिस के रखे हुए टेबल पे एक फ्रेम में था जो कि उसकी माँ ने दिया था। ये सब देखने के बाद रेंशो बड़े ही आराम से बॉक्स को ओपन करता है क्योंकि उसे लगता है कि इसके अंदर खतरनाक सी कुछ चीज हो सकती है। ओपन करने के बाद उसे पता चलता है कि ये मोरिस के टॉय कंपनी से भेजा गया है और उस पे लिखा होता है कि बॉक्स के अंदर बोनस सरप्राइजेस हैं। रेंशो को अभी भी लगता है कि ये कोई जाल है इसलिए वो कुछ समय उसे देखने के बाद बॉक्स को खोलता है जिसमें बंदूक के साथ प्लास्टिक के कुछ सोल्जर्स और टैंक्स थे। रेंशो उनमें से एक सोल्जर को बाहर निकाल के ये देखता है कि इनसे उसे कुछ खतरा तो नहीं है। जब उसे लगता है कि ये सिर्फ प्लास्टिक के खिलौने हैं और कुछ नहीं तो वो उस बॉक्स को वहीं पे रख के चला जाता है। कुछ समय बाद बॉक्स अपने आप नीचे गिर जाते हैं। फिर रेंशो को याद आता है कि उसने बॉक्स को टेबल के कोने पे नहीं रखा था तो आखिर वो गिरा कैसे। यही चेक करने के लिए वो वापस आता है और देखता है कि बॉक्स में से खिलौने गायब है। तभी रेंशो को महसूस होता है कि उसके घर में उसके अलावा और भी कोई है। इन्हीं बीच पर्दे हिलने लगते हैं और कुछ लाइट्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। चेक करने पे पता चलता है कि वायर कटे हुए हैं। रेंशो इन सब चीजों को समझने की कोशिश कर ही रहा था तभी इसके पैर में कुछ नुकीली सी चीज चुभती है। जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि ये एक प्लास्टिक की गन है और उसके सामने नुकीली सी चीज है। रेंशो को लगता है कि जरूर अब इन सब के पीछे वो टॉय सोल्जर्स है जो कि अब जिंदा हो चुके हैं। जब वो देखने के लिए नीचे झुकता है तभी सोल्जर्स फायरिंग शुरू कर देते हैं। इन सब से रेंशो मरता तो नहीं है लेकिन उसे तकलीफ बहुत हो रही थी। तभी सोल्जर्स बड़े वेपन से हमला करते हैं और रेंशो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। तभी रेंशो सोचता है कि भले ही ये सोल्जर छोटे हैं लेकिन वो काफी खतरनाक है। सोल्जर्स लगातार फायरिंग करने लगते हैं लेकिन फिर भी रेंशो बाथरूम तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अपने आप को अंदर बंद कर लेता है। उसका घुटना काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था और छोटे छोटे बुलेट्स अब तक उसके गर्दन पे चिपके हुए थे। इन बुलेट्स से रेंशो को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन दर्द जरूर हो रहा था। फिर रेंशो एक हैंड मिरर की मदद से देखने की कोशिश करता है कि आखिर सोल्जर्स कर क्या रहे हैं। तो वो देखता है कि सोल्जर्स लिविंग रूम के लाइट्स पे फायर कर रहे हैं जिससे कि वहां पे पूरी तरीके से अंधेरा हो जाए। जब सोल्जर्स इसे नोटिस करते हैं तो वो एक कैनन बॉल फायर करते हैं जिससे कि हैंड मिरर टूट जाता है और इस बात से रेंशो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो दूसरे दरवाजे से अपने रूम में जाता है और वहां से गन लेके
लेके सोल्जर्स पे फायरिंग करते हुए किचन तक पहुंचता है। वहां से वो दूसरी गन लेता है और सोल्जर्स के ऊपर गोलियों की बारिश करने लगता है। अचानक से सब कुछ साइलेंट हो जाता है और सोल्जर्स डर के मारे पीछे हट जाते हैं। इसी बात का फायदा उठा के रेंसो सोफे पे पड़े पिलो कुशंस को हटा देता है, जिससे कि सोल्जर्स के पास छुपने के लिए कोई जगह न बचे। जब सोल्जर्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो रेंसो सोफे को भी पलट देता है और वो देखता है कि सोल्जर्स जमीन पे मरे पड़े हैं और जो बच गए हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। रेंसो जब ये सब देखता है तो उसे अपने आंखों पे यकीन नहीं होता। उनमें से कुछ सोल्जर्स अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी रेंसो जितने हो सके उतने सोल्जर्स को अपने पैरों तले कुचलने लगता है। कुछ सोल्जर्स रेंसो के ऊपर फायर करते हैं, तभी रेंसो भी एक सिंगल फायर करता है और बुलेट के वाइब्रेशन से सोल्जर्स नॉक हो जाते हैं। लेकिन वॉर यहीं खत्म नहीं हुआ। टेबल के नीचे से 3 आर्मी हेलीकॉप्टर निकलते हैं और रेंसो के ऊपर लगातार फायरिंग करने लगते हैं। जैसे तैसे करके रेंसो बचता हुआ वॉशरूम तक पहुंचता है और अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेता है। फिर जब वो अपने आप को आईने में देखता है तो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके चेहरे और हाथ पे काफी बड़े कट थे जो कि हेलीकॉप्टर के ब्लेड के वजह से हुआ था। फिर वो जख्म पे अल्कोहल लगाता है जिससे कि खून बहना बंद हो जाए। उसके बाद रेंसो दरवाजे के पास खड़ा ही होता है कि तभी एक बड़ा सा कैनन बॉल दरवाजे को हिट करता है, जिससे कि दरवाजे में एक बड़ा सा होल बन जाता है। फिर एक हेलीकॉप्टर उसी होल से एंटर करके बाथरूम तक पहुंचता है और रेंसो पे अटैक करने लगता है। तभी रेंसो पास में पड़े एक टॉवल की मदद से उन्हें पकड़ लेता है और जमीन पे पटक देता है। फिर वो टूटे खिलौनों को टॉयलेट में फ्लश कर देता है, लेकिन फिर भी वो अभी तक मरे नहीं थे। फिर वो हेयर ड्रायर को टॉयलेट में डाल देता है और फाइनली वो मर जाते हैं। फिर रेंसो पूरी रात बाथरूम में बिताने की सोचता है। कुछ ही घंटों के बाद उसके दरवाजे पे एक शैडो दिखाई देती है। बाहर से सोल्जर एक नोट देता है जिसमें वो रेंसो को सरेंडर होने के लिए कहता है। तभी रेंसो सोल्जर्स की स्मार्टनेस देख के चौंक जाता है। फिर रेंसो भी रिप्लाई में लिखता है स्क्रू यू, यानी कि जामर। फिर जब वो नोट देने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि सोल्जर्स की तरफ से ये एक बिछाया हुआ जाल है। वो देखता है कि कुछ सोल्जर्स टैंक के साथ फायर पोजीशन में रेडी है। तभी सोल्जर्स फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वहां से रेंसो तो हट जाता है, लेकिन फायरिंग के इम्पैक्ट के वजह से दरवाजे में कई सारे होल बन जाते हैं। रेंसो अपनी जान बचाकर खिड़की के बाहर चला जाता है, लेकिन वो अभी भी सेफ नहीं था क्योंकि वो बिल्डिंग के 14th फ्लोर के खिड़की के बाहर था। फिर वो कैसे भी करके वहां से बालकनी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन बालकनी तक पहुंचने से पहले ही उस पे एक हेलीकॉप्टर अटैक करने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर एक सोल्जर उसके ऊपर फायरिंग करने लगता है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। फिर वो दोनों को शूट करके मार देता है और बालकनी पे पहुंचता है। तभी अंदर कुछ सोल्जर्स टैंक को विंडो की तरफ टारगेट करके रेंसो का इंतजार कर रहे थे। रेंसो ये सब देख के एक प्लान बनाता है। वो रबर डक्ट की मदद से सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और दूसरे साइड से फायर एक्सटिंग्विशर से वो सोल्जर्स पे अटैक कर देता है। तभी दूसरे सोल्जर्स का नजर रेंसो पे जाता है और वो जीप में बैठ के रेंसो पे गोल गोल घूम के फायरिंग करते हैं। रेंसो एक स्प्रे और लाइटर की मदद से फायर फ्लेम बनाता है और उन्हें जिंदा जला देता है। फिर रेंसो किचन से एक चाकू लेता है और गुस्से में उन्हें छोटे छोटे पीसेज में कट कर देता है। फिर वो पहले वाले सोल्जर्स के पास पहुंचता है और उन्हें बॉक्स से कुचल के मार देता है। जब सभी सोल्जर्स मर जाते हैं तब रेंसो जमीन पे लेट के उन जले हुए खिलौनों को देखता है। सभी सोल्जर्स मर चुके हैं ये कंफर्म करने के लिए वो सभी सोल्जर्स को गिनता है और बॉक्स पे दिए गए नंबर से मैच करता है। जब नंबर मैच हो जाता है तो रेंसो चैन की सांस लेता है, लेकिन रेंसो को अभी बोनस सरप्राइज के बारे में नहीं पता है जो कि बॉक्स पे लिखा हुआ था। वो ड्रिंक करता है और रिलैक्स होने के लिए स्विमिंग पूल में चला जाता है। अचानक से पानी के अंदर कोई उसकी हाथ काट देता है। वो देखता है कि काफी ज्यादा खून बह रहा है और जल्द से जल्द उसे स्टिचिंग की जरूरत है। वो सुई और धागे से जितना हो सके उतनी स्टिचिंग करता है। फिर वो फार्म हाउस से जाने की डिसाइड करता है जिससे कि सोल्जर्स उसका पीछा छोड़ दे। फिर रेंसो वहां से निकलता है। लिफ्ट में अचानक से शॉर्ट सर्किट होता है और लिफ्ट वहीं पे रुक जाती है और अंधेरे में फिर से कोई उसके ऊपर वार करता है। जब वो टॉर्च से देखता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके पैर और हाथ पे बड़ा सा कट मार दिया है। तभी पैनल के फ्लैश लाइट में उसे एक सोल्जर दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा डरावना था। रेंसो कमांडो से बचने के लिए लिफ्ट के सीलिंग पैनल से बाहर निकल जाता है और दूसरी लिफ्ट पे जंप करके उसके अंदर पहुंच जाता है और ये सोचकर खुश होता है कि वो अब बच चुका है। लेकिन सोल्जर अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और रेंसो के साथ साथ वो सोल्जर भी उसके साथ लिफ्ट में पहुंच चुका था। रेंसो के शरीर से इतना खून बहने के कारण वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। इसी बात का फायदा उठाकर सोल्जर उसके छाती पे लगातार वार करने लगता है, लेकिन
लेकिन छोटे हाइट होने के कारण रेंसो उसे साइड में फेंक देता है। फिर उसे पकड़ के लिफ्ट के दरवाजे के बीच में रख देता है और ये लास्ट सोल्जर भी मारा जाता है। फिर रेंसो बिना सर के सोल्जर को देख के स्माइल करता है, लेकिन तभी रेंसो को पता चलता है कि इसके अंदर एक बॉम्ब भी कनेक्टेड है और उस बॉम्ब के धमाके से रेंसो की मौत हो जाती है। फिर लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्रीन फेरी अपने आप ही घूम रही है और यही मूवी एंड हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए।